जग्गा जासूस के पास 3 महीने से कोई काम नहीं था। शहर में गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा था। सो फाइनली जग्गा ने डिसाइड किया कि वो अपने गांव वस्तीपुर लौट जाए। वस्तीपुर में धर्मचंद नाम का एक जौहरी रहता था। उसकी ज्वेलरी की काफ़ी बड़ी दुकान थी। जग्गा की ईमानदारी और वफादारी पूरे वस्तीपुर में मशहूर थी, इसलिए धर्मचंद ने उसे अपनी दुकान पर काम पर रख लिया और जग्गा को हीरे जवाहरात खरीदने के लिए दूर दूर के नगरों में भेजने लगा। एक बार जग्गा एक कीमती हीरा खरीद कर लौट रहा था। लौटते लौटते शाम हो गई और मौसम भी खराब होने की वजह से तेज बारिश हो रही थी, इसलिए जग्गा एक सराय में रुक गया। वहां उसे एक व्यक्ति मिला जिसने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम राजेंद्र है, मैं एक व्यापारी हूँ और इसी सिलसिले में समस्तीपुर जा रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? जग्गा ने अपना परिचय दिया तो राजेंद्र बोला, आपका नगर थोड़ा पहले पड़ जाता है, तो क्या मैं आपके साथ रुक सकता हूँ? मौसम ठीक होते ही हम साथ साथ निकल जाएंगे, जिससे हम दोनों का रास्ता भी आसानी से कट जाएगा। जग्गा ने कहा, ठीक है। सुबह तक मौसम बिल्कुल ठीक हो गया और दोनों अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए चलने लगे। तभी राजेंद्र ने जग्गा से कहा, मैंने आपसे झूठ कहा था कि मैं एक व्यापारी हूँ, असल में मैं एक शातिर ठग हूँ और जहाँ से आपने हीरा खरीदा है वहीं से वो हीरा चुराने के लिए मैं आपका पीछा कर रहा हूँ। राजेंद्र ने सच्चाई बताकर पूछा, दिन में तो मैंने आपको अपने कुर्ते की जेब में हीरा रखते देखा था, लेकिन रात में न केवल मैंने आपके कुर्ते की जेब को बल्कि आपके एक एक सामान को टटोल लिया, लेकिन मुझे वो हीरा कहीं भी नहीं मिला। अब मुझे आपका हीरा नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना बता दीजिए कि आपने वह हीरा छुपाया कहाँ था जिसे मेरे जैसा शातिर ठग भी नहीं ढूंढ सका। जग्गा ने प्रत्युत्तर दिया, मुझे इस बात का अंदेशा हो गया था कि मेरा पीछा कर रहे हो और जब तुमने मेरे साथ रात ठहरने की बात पूछी तब मेरा शक यकीन में बदल गया, इसलिए मैंने रात में वो हीरा तुम्हारी ही जेब में रख दिया था और तुम्हें तुम्हारे जागने से पहले दोबारा उसको तुम्हारी जेब से निकाल कर अपने पास रख दिया। राजेंद्र आश्चर्य से जग्गा जासूस का मुंह देखता रह गया और जग्गा इतना कहकर मुस्कुराते हुए अपने रास्ते पर चल गए। वाकई बड़ा ही चतुर और चालाक है यह जग्गा।